हेलो एवरीवन, अगर आपका भी फेसबुक अकाउंट हैक या फिर लॉस्ट हो चुका है, ऐसे में हैकर ने आपका मोबाइल फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड को चेंज कर दिया होता है। हैक या फिर लॉस्ट होने के बाद जब अपनी अकाउंट को आप रिकवर या फिर लॉग इन करने की कोशिश करते हो, तो हैक्ड अकाउंट में हैकर का नंबर पर, ईमेल आईडी पर 6 डिजिट का वो कोड जाता है जिसके जरिए आपने रिकवरी करनी होती है। या फिर लॉस्ट अकाउंट हेल्प सेंटर में शो नहीं होता क्योंकि लॉग इन न करने की वजह से ज़्यादा देर आपकी फेसबुक अकाउंट सिक्योरिटी की रीज़न की वजह से फेसबुक उसको लॉक में रख लेते हैं और फेसबुक अकाउंट वो सर्च रिजल्ट में नहीं शो हो रही होती। इन दोनों ही प्रॉब्लम्स में आप अपनी फेसबुक अकाउंट को रिकवर नहीं कर पाते हो। इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और ईजी वे से बताने वाला हूँ कि आप अपनी फेसबुक की हैक या फिर लॉस्ट अकाउंट को विदाउट ईमेल एंड विदाउट फोन नंबर के जस्ट रिकॉग्नाइज डिवाइस से किस तरह से रिकवर कर सकते। रिकॉग्नाइज डिवाइस का मीन जिस मोबाइल फ़ोन, पीसी, कंप्यूटर पर आपकी अकाउंट लगी थी, हैक्ड हुई है या लॉस्ट हुई है, उसी पर आपने रिकवरी का प्रोसेस करना है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही बात बोलूँगा, चैनल पर नए और टेक्निकल एक्सट्रीमर को सब्सक्राइब करके प्रेस कर देना बेल आइकन को, क्योंकि यहाँ पर आपको यूट्यूब, ऑनलाइन अर्न मनी, सोशल मीडिया और ऑल एंड्रॉयड की टिप्स एंड ट्रिक्स और प्रॉब्लम की सोल्यूशन देखने को मिलेंगी। तो चलिए यार, अभी विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जो अकाउंट हैक्ड होता है या फिर लॉस्ट होता है वो हेल्प सेंटर में शो नहीं हो रहा होता। अगर आपकी अकाउंट शो हो रही है तो ठीक है, आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, पर मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ क्योंकि अकाउंट शो नहीं होते बहुत ज़्यादा लोगों के हैक जब लॉस्ट होने के बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हैक जब लॉस्ट अकाउंट को हमने फाइंड करना है हेल्प सेंटर में, उसके बाद मैं आपको जेन्युइन रिकवरी का प्रोसेस बताऊँगा, फेसबुक के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर रहते हुए आपकी अकाउंट को रिकवर करके बताऊँगा। मोबाइल स्क्रीन पर गाइज मैं आ चुका हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हैक जब लॉस्ट अकाउंट को उसका आपने लॉगिन करना है फेसबुक या फिर फेसबुक लाइट में, तो यहाँ से मैं नंबर या फिर ईमेल आईडी और पासवर्ड देकर लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर जब आप अपने हैक जब लॉस्ट अकाउंट को कुछ इस तरह से नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड देकर लॉगिन के बटन पर क्लिक करके लॉगिन करने की कोशिश करते हो, तो आपकी अकाउंट हैक हो जाती है या फिर लॉस्ट हो जाती है, तो यहाँ पर आपको देखता है कि आपकी अकाउंट शो नहीं हो रही, फाइंड नहीं कर रहा, रॉन्ग पासवर्ड है, कुछ इस तरह से आपको देखते हैं। तो कुछ सेकंड्स में यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से वी कुड नॉट फाइंड एन अकाउंट या फिर ट्राई एंड पे कुछ भी आ सकता है यहाँ पर एरर मैसेज। तो अब आप अपने किस तरह से फेसबुक हैक या फिर लॉस्ट अकाउंट को रिकवर करोगे, अभी आपने वीडियो को स्टेप बाई स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अकाउंट को फाइंड करने का प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो अकाउंट को फाइंड करने के लिए गाइज आपने क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेनी है। अच्छा, क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च बार में आ जाना है गूगल क्रोम की। तो चलिए सर्च बार को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने एक वेबसाइट सर्च करनी है जिसकी मदद से हम आईडी सर्च करेंगे, फाइंड करेंगे, फाइंड माई एफ पी आई डी डॉट इन, अगेन बोल देता हूँ, फाइंड माई एफ पी आई डी डॉट इन, इस साइट को आपने सर्च कर लेना है। तो चलिए मैं सर्च कर लेता हूँ। जैसे ही गाइस सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट वेबसाइट के अंदर इंटर कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो फाइंड योर आईडी विद योर प्रोफाइल लिंक विद योर प्रोफाइल नेम। तो यहाँ पर चलिए अपनी प्रोफाइल अभी आपने ओपन करनी होगी, अपने फेक अकाउंट लगा लेना है फेसबुक लाइट में या फिर फेसबुक में, जिसकी मदद से आप अपने ओरिजिनल अकाउंट का लिंक कॉपी करोगे। तो चलिए यार, यहाँ पर मैंने लगा लिया है फेक अकाउंट, फेसबुक लाइट ओपन कर लेते हैं, या फिर अपने फ्रेंड के मोबाइल से आप ये कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको अपनी ओरिजिनल आईडी की जो हैक्ड है या लॉस्ट है उसका लिंक कॉपी करना है, तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। जो हैक्ड अकाउंट है जिस पर्सन की, उसकी मैं यहाँ पर सर्च कर लूँगा। तो ऊपर सर्च बार का ऑप्शन को फिर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर जो अकाउंट हैक्ड है या फिर लॉस्ट है उसको सर्च कर लेते हैं। ठीक है गाइज, तो ये वाली अकाउंट हमारी हैक्ड हो गई थी, तो यहाँ पर इसको सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद सिंपली से 3 डॉट पर आइटम में क्लिक करके कॉपी लिंक करेंगे हम। तो जैसे ही गाइज आप कॉपी लिंक करोगे तो अगेन आपने क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और इसी वेबसाइट के अंदर आ जाना है। वेबसाइट के अंदर आने के बाद यहाँ पर इस लिंक को पेस्ट कर देना और फाइंड फेसबुक आईडी के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है गाइज, तो चलिए फाइंड फेसबुक आईडी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। ये आपके लिंक से आपकी आईडी के 6 डिजिट का यूनिक नेम को, यूनिक नंबरिक को फाइंड करेगा, जैसा कि आप इस प्रोफाइल लिंक के एंड में देख सकते हो। मेनी प्रोफाइल्स के एंड में ये लिंक नहीं आता जो आपको 6 डिजिट का दे रहा है। अगर आपका आ रहा है तो आप सिंपली से लास्ट में जो 60 डिजिट का 60 नंबरिक नंबर है इनको कॉपी कर लो, अदरवाइज यहाँ पर प्रोफाइल लिंक पेस्ट करके आओगे तो यहाँ पर आपको 60 डिजिट का आपकी प्रोफाइल का 60 न्यूमेरिक का आपको नंबर दिखा जाएगा। तो यहाँ पर 10 सेकंड में आ जाएगा ये। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो ये आ चुका है योर फेसबुक पर्सनल न्यूमेरिक आईडी, तो इसको आपने सिलेक्ट ऑल कर लेना है। तो चलिए यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद क्रोम ब्राउजर में एक न्यू टैब बनानी है। ये प्रोसेस आपने रिकॉग्नाइज डिवाइस से करना है, यानी कि जिस डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, पीसी, लैपटॉप पर आप अकाउंट यूज़ कर रहे थे।
ठीक है, तो सर्च बार में गए रहना है और डाउनलोडिंग एंड एक्सेसिंग फेसबुक लिख के यहाँ पर सर्च करना है। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो इसको सर्च कर लो डाउनलोडिंग एंड एक्सेसिंग को गूगल सर्च बार में। तो जैसे गाइज आप सर्च करते हो तो अभी मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ, अभी आपने अगेन बोलूँगा वीडियो स्टेप बाई स्टेप फॉलो करो। तो यहाँ पर देख सकते हो ये आ चुका है, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो अकाउंट एक्सेस एंड ट्रबल शूटिंग या फिर एक्सेस एंड डाउनलोडिंग योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्लिक करके कभी कभी ऑलवेज आ जाता है, तो आपकी मर्जी जैसे मन करो या ऑलवेज करो यहाँ पर क्लिक कर लो। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको फेसबुक रिकवरी के ड्रिक लिंक के जरिए पेज में ले जाएगा जहाँ से आपने अपनी आईडी रिकवर करनी है जो हैक्ड है या फिर लॉस्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हो एक्सेस एंड डाउनलोडिंग योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे ऑप्शन है, वर्ड बेस्ड डिस्क्राइब योर इश्यू, डाटा एक्सेस, अकाउंट एक्सेस, ट्रबल शूटिंग, डी एक्टिवेटिंग एंड रिसेशन। तो यहाँ पर आपका अकाउंट एक्सेस एंड ट्रबल शूटिंग का यहाँ पर क्लिक करना है। हाउ कैन वी हेल्प यू टू रिकवर योर अकाउंट, यहाँ पर आपने सिंपली से आई कांट लॉग इन टू माई अकाउंट करना है अगर लॉस्ट हुआ है, माई अकाउंट हैज बीन हैक्ड करना है अगर हैक्ड हुआ है, या फिर आपका अकाउंट डिसेबल है तो कर लो। तो मेरा तो लॉस्ट है, आई कांट लॉग इन टू माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपकी प्रॉब्लम है सिलेक्ट करने के बाद सिक्योर इट बाय गोइंग टू हेल्प सेंटर पर क्लिक करना है। ठीक है गाइस, तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर रहते हैं। हेल्प सेंटर के बटन के ऊपर एरो को आप फॉलो कर सकते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है सिलेक्ट करने के बाद हेल्प सेंटर पर क्लिक करना है, जिसे मैंने क्लिक कर दिया है। अभी यार आपको फेसबुक के हेल्प सेंटर में देख सकते हो ले आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा गाइज आई कांट लॉग इन टू माई फेसबुक, तो यहाँ पर दिख रहा है आई कांट लॉग इन टू माई फेसबुक, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर ही आपको बता रहा है कि नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड लॉस करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से रिकवर करना है, ट्राई रिकवरिंग योर फेसबुक अकाउंट। तो ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हो रिकवर योर फेसबुक अकाउंट, फैमिली फ्रेंड अकाउंट, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है। आपकी अपनी अकाउंट हैक्ड है तो यहाँ पर मैं आपको चलिए थोड़ा सा और भी बता देता हूँ। बहुत सारे यहाँ पर हैक्ड की प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी का नंबर नहीं होता, किसी का ईमेल नहीं होता, तो अभी आपने इसी अकाउंट लॉगिन से रिकवरी करनी है। तो यहाँ पर आपने अभी चलिए आ जाते हैं अकाउंट लॉगिन में क्लिक करना है और फेसबुक डॉट कॉम लॉगिन आइडेंटिटी के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे गाइज यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो अभी जो न्यूमेरिक आपने कॉपी करे थे 6 डिजिट को, उसको यहाँ पर पेस्ट करके 3 टाइम आपने यहाँ पर इसको सर्च करना है, अकाउंट को फाइंड करना है। तो चलिए मैं फर्स्ट टाइम कर देता हूँ, क्लिक करते हैं सर्च के ऊपर। तो अभी 3 टाइम होने के बाद सर्च पर ईमेल एड्रेस पर क्लिक करो, यहाँ हैक होने से पहले जो ईमेल आईडी थी उस पर वो यहाँ पर डाल दो, अगर हैकर की ईमेल आईडी पता है तो वो भी यहाँ पर, अदरवाइज यहाँ पर नेम डाल सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ, और सिंपली नेम से अपने अकाउंट को सर्च कर लो। जब यहाँ से ये प्रोसेस करोगे न्यूमेरिक का, उसके बाद नेम सर्च करोगे तो आपकी आईडी नेम से जरूर आएगी, आईडी के ऊपर क्लिक कर लो जैसे कि मैं करने वाला हूँ। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से शो होगा, अभी आपके पास यहाँ पर कोई नंबर ईमेल आईडी नहीं, यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, कंटिन्यू करोगे तो हैकर के नंबर पर जाएगा 6 डिजिट का कोड। तो आपने जस्ट ये करना ऑप्शन नो लॉन्गर एक्सटेंड टू दिस पर क्लिक करना है और अभी प्रोसेस को फॉलो करना है। तो चलिए नो लॉन्गर एक्सटेंड टू दिस पर क्लिक कर लिया हमने। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आई कांट एक्सेस टू माई ईमेल अकाउंट पर क्लिक करना है, यानी अपने अकाउंट के ऊपर हम एक्सेस नहीं कर पा रहे, लॉगिन नहीं कर पा रहे। इसके बाद लर्न मोर अबाउट वे टू एक्सेस फेसबुक अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर चलिए क्लिक कर लेते हैं। जैसे गाइस यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये अगेन आपको हेल्प सेंटर में ले जाएगा, तो अभी आपको ऊपर सर्च बार दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करो। अभी आपने माई अकाउंट हैज़ बीन हैक्ड लिख के सर्च करना है, ठीक है, ये प्रोसेस आप फॉलो करो। इसलिए प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे आएगा तो क्लिक करो माई अकाउंट हैज बीन हैक्ड पर, आई थिंक माई फ्रेंड माई अकाउंट वाज हैक्ड, तो फर्स्ट में आई थिंक माई फ्रेंड पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, आपकी अपनी अकाउंट हुई है लेकिन फ्रेंड पर क्लिक करो क्योंकि पेज ये शो हो रहा था। ठीक है, ये प्रोसेस करने से डिटैच होगा आई डी, सिंपली विजिट दिस पेज पर क्लिक कर रो, माई अकाउंट इज कम्प्रोमाइज पर क्लिक करना है, तो तभी फेसबुक बैक करेगा। ठीक है, प्रोसेस करते रहो आप, इससे फेसबुक डिटैच कर लेगा तो आई डी बैक कर लेगा। अगेन यहाँ पर न्यूमेरिक पेज करो, ठीक है, पासवर्ड अगर याद है ओल्ड पासवर्ड डाल दो, अदरवाइज कोई भी पासवर्ड यहाँ पर डाल सकते हो, हैक्ड है या लॉस्ट, लॉगिन करने की कोशिश करो, अगर नहीं आ रहा है इस तरह रॉन्ग पासवर्ड आ रहा है सिंपली ट्राई अनदर वे पर क्लिक करो, या फॉरगेट पासवर्ड वहाँ से करना है लॉगिन पेज से, तो इस जगह पर आप पहुँच जाओगे। ठीक है, अभी ये देख सकते हो अकाउंट हमारा फाइंड हो चुका है, अभी जैसे इसकी रिकवरी करनी है यहाँ पर आ जाओगे, कोई आपके पास नंबर पासवर्ड ईमेल आई डी नहीं, नो लॉन्गर अवेज टू डी पर क्लिक कर लो, और आई कांट एक्सेस टू माई ईमेल अकाउंट पर क्लिक करो। अब की बार ये पेज आएगा, नंबर पासवर्ड यहाँ पर ईमेल या फोन नंबर दो, न्यू और कंटिन्यू को बटन पर क्लिक करो। इसके बाद यहाँ पर नेम दो और आईडी कार्ड की पिक्चर अपलोड करो, आधार कार्ड अपलोड करो। आपकी ईमेल पर एक फेसबुक की तरफ से 24 आवर्स में मैसेज आएगा, ईमेल की जाएगी, ठीक है, तो ईमेल की जाएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि अकाउंट को रिकवर कर लो, तो जिसके ऊपर आपने सिंपली से क्लिक करना है ईमेल आईडी के ऊपर, स्क्वायर रूट गोइंग टू बाय हेल्प सेंटर यहाँ पर लिखा है ईमेल में,
तो मेरे पास अभी नहीं है क्योंकि मेरी अकाउंट नहीं हैक थी, नहीं लॉस थी, जस्ट मैंने आपको बताने के लिए बताया। ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा, अपना न्यू पासवर्ड आपने एंटर कर लेना है। ठीक है, ये किसी की अकाउंट थी जो किसी के मोबाइल में मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी पर्सनल नहीं थी, ये किसी के मोबाइल में मैं कर रहा हूँ। कुछ इस तरह से आपकी अकाउंट लॉक भी हो सकती है। अगर लॉक ओपन नहीं करना आता अकाउंट, यहाँ पर लास्ट में वीडियो आ जाएगी, अनलॉक कर सकते हो अकाउंट को, कभी कभी लॉक वाला ऑप्शन भी आ जाता है। तो यार गाइज, ये देख सकते हो, ये जिसकी अकाउंट थी मैंने इसकी आईडी को बैक कर दिया है विदाउट ईमेल एंड फोन नंबर के। तो कुछ इस तरह से आप भी हैक या फिर लॉस्ट अकाउंट को विदाउट ईमेल एंड फोन नंबर के बैक कर सकते हो। वीडियो पसंद है लाइक कर दो। आज की वीडियो में इतना ही। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।